हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि मेरा TCS नेशनल क्वालिफायर टेस्ट 2019 एग्जाम कैसा गया था। सो बेसिकली मेरा एग्जाम अगस्त मंथ में कंडक्ट हुआ था और एग्जाम के एक दो हफ्ते बाद ही मुझे मेल आ गया था और मेल के जस्ट एक दो दिन बाद ही मेरा इंटरव्यू था। सो वीडियो शुरू करने से पहले इंटरव्यू प्रोसेस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एग्जाम टाइम में बहुत लोगों ने कुछ डिफिकल्टीज फेस की थी, तो मैं सबसे पहले आपको उन डिफिकल्टीज के बारे में पहले से बता देता हूँ जो TCS नेशनल क्वालिफायर टेस्ट पेपर में आप फेस कर सकते हैं। सो जो डिफिकल्टीज ज़्यादातर लोगों ने फेस की, बेसिकली जो एग्ज़ाम जिस IDE पे हो रहा था वो पाइथन 2 सपोर्ट कर रहा था, ना कि पाइथन 3। तो अगर आप एक्चुअली कोडिंग पार्ट अगर आप पाइथन में करते हैं तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए पाइथन 2 और पाइथन 3 में, क्योंकि पाइथन 2 और पाइथन 3 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सो इसीलिए अगर हो सके तो आप बैकअप के तौर पर सी या सी प्लस प्लस या फिर जावा में प्लीज़ कोड करें। दूसरा ये था कि आपको इंस्ट्रक्शंस पहले से पता होनी चाहिए, लाइक TCS में TCS एग्जाम में कौन से सेक्शन के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। सो कुछ केसेस में स्क्रीन एम्प्टी थी, मतलब उस पर कुछ लिखा नहीं था, इसलिए आपको पहले से इंस्ट्रक्शंस पता होने चाहिए, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बट ऐसा कुछ लिखा नहीं था, ये आपको पहले से ही मतलब अज्यूम करना था। और ज़्यादातर केसेस में स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शंस लिखे नहीं थे। और तीसरा मेन चीज़ ये था कि जो TCS वाले जो IDE थी उसमें कंपाइलर्स बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे थे कंपाइल करने में, लाइक कुछ कुछ केसेस में 2 से 5 मिनट लग जा रहे थे। सो आप कोशिश करिएगा कि आपका कोडिंग पार्ट जो है जल्दी से हो जाए, और होने के लाइक अगर आपका 20 मिनट मिलता है आपको कोडिंग करने के लिए, तो कोशिश कीजिएगा आपको ये 15 मिनट में ही हो जाए, ताकि उसके बाद आप अच्छे से कंपाइल कर सकें, और मिस्टेक्स क्लियर करने के लिए आप थोड़ा ज़्यादा टाइम बफर में रखिएगा अपने। और चौथी चीज़ ये थी कि अगर आप जावा में कोडिंग करते हैं तो वो एक्लिप्स IDE इंटरनली प्रोवाइड करते हैं, बट आपको कॉपी करना सीखना होगा, क्योंकि कंट्रोल सी कंट्रोल पी किन्हीं किन्हीं केसेस में एक्चुअली वर्क नहीं कर रहा था। सो बहुत से स्टूडेंट्स कॉपी वापस कर नहीं पाए थे। सो आप कोशिश कीजिएगा कि आप एडिटर में ही करें, अगर कोड ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो तभी आप एक्लिप्स IDE का यूज़ कीजिएगा, नहीं तो एडिटर्स में भी आप लोग कोडिंग कर सकते हैं। सो अब इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि कैसा था। सो गाइस, सो एग्ज़ाम के बाद एक दो हफ्ते बाद मुझे कंफर्मेशन मेल आया था कि मैं शॉर्टलिस्ट हो गया हूँ इंटरव्यू के लिए, और मेल के 2 दिन बाद ही मेरा इंटरव्यू था। सो इसलिए मुझे टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स प्रिपेयर करने के लिए कम टाइम मिला था ऑब्वियसली, बट मैं पहले से ही प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं थी। सो अब टेक्निकल इंटरव्यू कैसा हुआ था मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिकली टेक्निकल राउंड में अलग अलग पैनल पे लोगों को भेजा जा रहा था। सो हर पैनल में मोस्ट केसेस 2 लोग थे, तो आप एक चीज़ ये बात ध्यान रखिए कि 2 लोगों में एक बंदा फ्रेंडली था और एक बंदा एकदम लाइक ऑकवर्ड या रूड टाइप का था, ये अब मैक्सिमम केसेस में था। और अगर आपको कोई इंटरव्यूअर रूड लगे तो बेसिकली वो गेम खेल रहा आपके साथ। सो यहाँ पे आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना है। सो पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, लाइक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन पूछा था। सो मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन 3 स्टेप में आंसर करता हूँ। सो अगर मैं आपको अपना इंट्रो बताऊँ तो मैं ऐसे करता हूँ, लाइक माई नेम इज़ ABC एंड आई एम करेंटली परस्यूइंग BTech फ्रॉम माई कॉलेज इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। आई हैव सिक्योर्ड 83% मार्क्स एंड 85% मार्क्स इन माई क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जामिनेशन रेस्पेक्टिवली। उसके बाद मैं आपको अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताता हूँ और ये बताता हूँ कि मुझे क्या चीज़ मोटिवेट करती है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लेने में अपने करियर चॉइस के तौर पर। सो मैं प्रोजेक्ट्स को ऐसे बताता हूँ कि लाइक एवर सिंस माई कॉलेज डेज आई फाउंड जावा क्वाइट इंटरेस्टिंग विच हैव मोटिवेटेड मी टू चूज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एज माई करियर चॉइस। आई हैव ऑल्सो डन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फ्रॉम एंड्रॉयड विद जावा एंड नेटवर्किंग फ्रॉम दिस प्लेसेस। और एंड में आप कोशिश करिएगा कि
सोशल एक्टिविटीज एंड हॉबीज से फिनिश करें। आप ऐसे कुछ भी कर सकते हैं लाइक आई एम ऑल्सो एन एक्टिव मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ माई कॉलेज। ये ग्रुप कुछ भी हो सकता है लाइक डांस हो सकता है, ड्रामेटिक्स क्लब हो सकता है, सिंगिंग क्लब हो सकता है, आर्ट क्लब हो सकता है। सो आई एम ऑल्सो एन एक्टिव मेंबर ऑफ द ग्रुप इन माई कॉलेज विच हैव टॉट मी अ लॉट ऑफ टीम वर्क। माई हॉबीज आर लाइक वॉचिंग क्रिकेट एंड ब्लॉगिंग एक्सेट्रा। सो दैट्स ऑल अबाउट मी। सो ये बेसिकली ये क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप आंसर करना है। आपको तीन पॉइंट्स कवर करने की जरूरत है इसमें, आपका कॉलेज एंड स्कूल के मार्क्स या मतलब आपका एकेडमिक्स कैसा था, आपने प्रोजेक्ट्स एंड ट्रेनिंग कहाँ से की, और आप में क्या एक्स्ट्रा है लाइक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड हॉबीज आपकी क्या क्या है वो सब। सो बेसिकली मेरा रेज्यूमे जावा एंड डेटा स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड था, तो उन्हीं पे एक्चुअली क्वेश्चन पूछा था। वो टेक्निकल राउंड में वही पूछते हैं जो आपने रेज्यूमे में अच्छे से बनाया होगा। सो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ। लाइक मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड जावा लिखा था, तो पहला क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा था कि टेल मी एटलीस्ट 3 to 5 डिफरेंसेस बिटवीन लिंक्ड लिस्ट एंड अरेज एंड ऑल्सो एडवांटेजेस ओवर ईच अदर। सो यहाँ पे जैसे इंडेक्सिंग में अरेज की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन होती है बट लिंक्ड लिस्ट में ऑर्डर ऑफ एन होती है, तो ऐसे हमें क्वेश्चंस को आंसर करना था। और सेकंड क्वेश्चन था कि कैन यू एक्सप्लेन स्टैक एंड क्यू टू मी। तो इसमें मैंने एक्चुअली उनको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिया था, जैसे स्टैक होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो स्टैक के तौर पर मैंने उन्हें एक शेल्फ रैक के बारे में बताया था, जैसे अगर आप बुक्स रखते हैं एक शेल्फ में तो लास्ट बुक सबसे ऊपर रहती है और उसको आप सबसे पहले निकालते हैं। और क्यू को मैंने एक रेलवे टिकट काउंटर की लाइन के तौर पर बताया था कि जो बंदा टिकट पहले लेता है वो पहले लाइन से निकलता है। तो कुछ ऐसा आपको रियल वर्ल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना रहता है ऐसे क्वेश्चंस में। सो थर्ड क्वेश्चन बेसिकली मेरा जावा से था जो कि मैंने रिज्यूमे में एक्चुअली मेंशन किया था, मैंने डेटाबेस कनेक्टिविटी की थी। सो क्वेश्चन था कि व्हाट इज डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड कैन यू राइट ऑल द फंक्शंस एंड स्टेप्स यूज्ड इन जेडीबीसी। सो ये मैंने बता दिया था। और चौथा क्वेश्चन ये ज्यादातर इंटरव्यूज में पूछा गया था कि व्हाट इज ऑप्स एंड इट्स फीचर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और उसके फीचर्स लाइक एब्स्ट्रैक्शंस, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एक्सेट्रा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और पांचवा क्वेश्चन भी ज्यादातर इंटरव्यूज में पूछा गया था कि व्हाट आर जॉइंस एंड इट्स टाइप इन एसक्यूएल। सिक्स्थ क्वेश्चन था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस एंड गिव एग्जांपल फॉर ईच। और उसी इंटरव्यू में जो सेकंड वाला बंदा था वो मेरे से पूछ लिया था कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन टीसीएस, व्हाट डू यू नो अबाउट टीसीएस। और एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि कैन यू नेम अ फ्यू प्रोडक्ट्स मेड बाय टीसीएस। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको टीसीएस के बारे में एक्चुअली थोड़ी सी रिसर्च करनी होती है। लाइक वो जरूर पूछते हैं कि आप हमारी कंपनी में आ रहे हैं तो हाँ, तो हमारे बारे में आपको जानना चाहिए। सो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप प्लीज एक बार विकिपीडिया देख लीजिएगा और उन्होंने कौन से नए प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो सबके बारे में, लाइक उनकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी किस टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रहे हैं, ये सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो मैं शॉर्टलिस्ट हो गया था टेक्निकल राउंड से। तो अगला राउंड था मेरा एचआर। एचआर में भी सेम स्टार्टिंग से था कि कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, जो कि मैंने पिछला वाला ही आंसर कर दिया था। और सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि व्हाट वाज योर जर्नी राइटिंग द एनक्यूटी एग्जाम एंड सिटिंग हियर। सो आपको पूरा स्टेप बताना है, लाइक आज मेरे पास ऑफर लेटर आया था, मैं बहुत खुश था, उसके बाद मेरी जर्नी कैसी रही, मैंने कैसे प्रिपरेशन किया, मेरी स्ट्रेटेजी क्या रही, ये सब मैंने उन्हें बताया था। तो थर्ड क्वेश्चन था कि डू यू हैव एनी रिलोकेशन कंस्ट्रेंट्स। सो इसमें आपको हाँ ही बोलना है क्योंकि वो टीसीएस के ऑफिसर्स कई जगह है इंडिया में और वो आपको कहीं भी भेज सकते हैं, बट आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, बट इंटरव्यू में आपको नो ही बोलना है कि आप कहीं भी वर्क कर सकते हैं, यही बोलना आपको। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था कि वी वर्क इन शिफ्ट्स, सो आर यू कंफर्टेबल विथ वर्किंग एट नाइट। यहाँ भी आपको हाँ बोलना है। मैंने एक्चुअली इसको ऐसे आंसर किया था कि लाइक मैम आई एम अ हॉस्टलर, so basically I'm not saying this in a bad way but we hostlers mostly work at night। so उन्होंने हंस दिया था। तो like आप कोशिश करिएगा कि ये conversation की तरह interview जाए तो इसका बहुत positive impact पड़ता है। okay so fifth question था कि tell me something about your family background।
तो वो मैंने आंसर कर दिया था। और सिक्स्थ क्वेश्चन आपकी हॉबी से पूछा गया था, ये ज्यादातर लोगों से पूछा गया था कि आपकी हॉबीज क्या है, अपने ग्रुप में अपने कॉलेज में कौन कौन से एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज की थी, वो पूछा गया था। और सेवेंथ क्वेश्चन था कि डू यू हैव अ क्वेश्चन फॉर मी, तो मैंने एचआर से ये पूछा था कि एज अ फ्रेशर मैम व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अ फ्रेशर कैन बेनिफिट फ्रॉम योर कंपनी, तो उन्होंने फिर उस क्वेश्चन का आंसर किया था। सो गाइज, इंटरव्यू के 2 हफ्ते बाद ही मेरा कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर आ गया था। सो उन्होंने लिखा था कि वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर निंजा ऑफर विद टीसीएस, यू विल बी रिसीविंग टीसीएस ऑफर लेटर शॉर्टली। सो इसके बाद मेरा ऑफर लेटर भी आ गया था। सो दैट्स इट, ऐसे ही मैंने अप्रोच किया था अपने इंटरव्यू को। और कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन लें, और कुछ प्रिकॉशंस मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था कि लाइक ऑनलाइन एग्जाम में कैसे कैसे डिफिकल्टीज होती हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर करने का तरीका भी बता दिया था, जैसे आप इंट्रोडक्शन कैसे दें और आपको एचआर इंटरव्यू में क्या क्या बोलना है क्या क्या नहीं। सो ऑल द बेस्ट गाइस, आई होप आप सभी लोग प्लेस्ड हो जाएं और अच्छा कीजिएगा, क्योंकि टीसीएस का एग्ज़ाम अच्छे लेवल पे होता है। सो ऑल द बेस्ट, और अगर आप कुछ फर्दर क्वेरीज या क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू गाइज, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऐसे कंटेंट्स के लिए। थैंक यू।